बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति फिर हुए हैं गिरफ्तार। लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकाने के मामले में ये अब गिरफ्तारी हुई है। वकील दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने दर्ज की एफआईआर। गायत्री प्रजापति के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। कोर्ट में पेश करने के बाद केजीएमयू में भर्ती कराया गया। जमानत के बाद भी जेल हिरासत में थे गायत्री प्रजापति। हाईकोर्ट से जमानत के बाद भी बेल बॉन्ड वेरीफाई नहीं हुआ, जिसके चलते रिहा नहीं हो पाए थे। गायत्री प्रजापति बेल बॉन्ड वेरीफाई हो जाता तो रिहा हो जाते। वेरिफिकेशन से पहले ही पुलिस ने वारंट किया पेश। बीमारी के चलते जेल पुलिस की हिरासत में ही केजीएमयू में थे भर्ती। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे गायत्री प्रजापति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लखनऊ की गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी, जालसाजी और धमकाने के मामले में अब ये गिरफ्तारी हुई है। और सीधा रुक करते हैं गगन मिश्रा का, जिस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। गगन, गायत्री प्रजापति को फिर से गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल 4 सितंबर को गायत्री प्रजापति को रेप के मामले में 2 महीने की अंतरिम बेल मिली थी, और लेकिन उसके बाद 5 दिन बाद देवेंद्र त्रिपाठी, दिनेश चंद्र त्रिपाठी जो पीड़िता के वकील थे, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई पीड़िता के खिलाफ कि पीड़िता ने गायत्री प्रजापति से बिना पैसे लिए अपनी संपत्ति अपने नाम कर ली है और आरोपों से मुकरी है, और साथ ही साथ उनको धमकी भी दी गई थी। इसी को लेकर गाजीपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, लखनऊ के गाजीपुर थाने में। उसके बाद उनकी रिहाई होनी थी, क्योंकि बेल बॉन्ड वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, वो जेल में ही बंद थे, यानी कि जेल में बंद थे, लेकिन केजीएमयू में उनका इलाज चल रहा था। रिहाई से पहले ही उनको एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको जो वारंट होता है वो तामील कराया गया, उनको कोर्ट के सामने पेश किया गया और कल फिर से केजीएमयू में भर्ती कराया गया। यानी कि गायत्री प्रजापति को जो 2-3 2-2.5 सालों बाद एक 2 महीने के अंतरिम बेल भी मिली थी, इनकी किस्मत अच्छी नहीं रही, उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उसी के चलते एक बार फिर से बाहर आने से पहले ही वो अंदर चले गए हैं। तो साफ तौर पर गायत्री प्रजापति की जो मुसीबतें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और माना जा रहा था कि कम से कम 2 महीने की अब बेल मिली है, कुछ राहत मिलेगी, और पीड़िता भी अपने बयान से मुकर गई थी, तो माना जा रहा था गायत्री प्रजापति को अब लंबे समय के लिए राहत मिलने जा रही है। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसके तहत जालसाजी और धोखाधड़ी मामले में एक बार फिर से गाजीपुर थाने ने गायत्री प्रजापति को रिमांड में लेने की कोर्ट में दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जी गगन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।